बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? ठीक ठाक सबके? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खैरियत से हूँ। आज हम आपको फरजाना के दस्तरखान में जो मनाने जा रहे हैं वो है गोलगप्पे। काफ़ी दिनों से मुझे सब लोग कह रहे थे और मेरी बच्चियाँ भी कह रही थी कि मम्मा वो बनाए गोलगप्पे, तो आज हम गोलगप्पों की तैयारी करते हैं। तो गोलगप्पों के लिए छोले तो हमने ऑलरेडी पहले ही उबाल के फ्रिज में रखे हुए थे रमज़ानों की वजह से, तो ये हमने छोले निकाल लिए। और इसके बाद हमने सिर्फ थोड़ा सा दही मिलाया है, चाट मसाला, और ये थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, क्योंकि इसकी चाट तो नहीं बनती है, तो सिर्फ उसके अंदर जो गोलगप्पे होते हैं पूरी उनके अंदर भरे जाते हैं। ये देखें, ये चटनी हमने आपको बनानी सिखाई थी, जब हमने इसको सेव करके रख ली थी। ये वो चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये ग्रीन वाली चटनी है, और ये जो है दही की मीठी चटनी है। सिर्फ इसमें जस्ट सिर्फ चीनी हम इसके अंदर डालेंगे और कुछ नहीं। ये तीन चटनी हम गोलगप्पों में डाल के और फिर ये पानी में डिप करके फिर खाएंगे। तो ये थोड़ा सा सफ़ेद जीरा हमने भून लिया था, इसको ज़रा सा हम छोलों पे डाल लेंगे, ज़रा खुशबू आएगी भुनी हुई की अच्छी। और ये गोलगप्पों का जो पानी है, हमने जो चटनी मीठी खट्टी मीठी बनाई थी थोड़ी वो है, थोड़ी हमने इमली भी गोई थी इसके अंदर और डाला था। थोड़ा से पानी हाजमे के लिए डाल देंगे, ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर पानी में, खुशबू आती है। देखें पानी हमारा रेडी है, खट्टा मीठा सा पानी, बिल्कुल खट्टा नहीं है। जो हमने जब चटनी बनाई थी उसको हमने इसके अंदर ऐड किया, बाकी पानी डाला उसके अंदर हमने। और ये इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं, वन एंड हाफ टी स्पून तक जो हमने डाल दी। ये मीठी चटनी बनेगी इसकी, सिर्फ मीठी है, दही की मीठी चटनी डलेगी। मैंने कहा पहले आपको सारा सब करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम उसकी डो बनाएंगे गोलगप्पों की, फिर वो हम हाथ के बनाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। ये चीज़ें मैंने कहा पहले आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। और ये इसका पानी जो तैयार है, इसके अंदर थोड़ा सा सौंठ जो होती है, साबुत सूखी अदरक जिसे कहते हैं, तो थोड़ी सी हो जाती है इसके अंदर। अगर सूखी अदरक आपके पास ना हो, सौंठ जिसे कहते हैं, तो ये पाउडर में मिलता है इसका सौंठ का, थोड़ा सा हम ये डाल देंगे इसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी होता है इसके पानी में, बहुत माशाल्लाह खुशबू वाला और हाजमेदार पानी बना है। बहुत अच्छा, ना खट्टा बहुत है और ना मीठा, बहुत खट्टा मीठा सा कि बच्चे भी आराम से खा लें इसको। यह तकरीबन हाफ टी स्पून जो हमने इसके अंदर सौंठ का पाउडर डाल दिया अदरक का, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रिपेयर है हमारी। अब बस हमने इसकी डो बनानी है। अच्छा, अब हम जो है इसकी डो की तैयारी करते हैं, वो तो सारा हमने सामान कर लिया तैयार, अब हम इसकी डो बनाते हैं। ये देखें, ये हाफ कप जो है सूजी है, ये हाफ कप सूजी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2 टेबल स्पून जो है ये मैदा है, ये इसमें डाल देंगे। और ये तकरीबन 2 टीस्पून जो है आटा, जो घर में नॉर्मल हमारे घर में आता है वो वाला आटा है, ये डाल देंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। और जो है 1 पिंच बस हम जो है मीठा सोडा जो है उसकी डाल देंगे, 1 पिंच बस। और 1/4 टीस्पून जो है नमक का डालेंगे, उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये नीम गरम पानी है, इसको हम अपने अंदाजे से डाल डाल के इसको गूंद देंगे, हाथ से करते हैं। थोड़ा सा आटा बचा था ये भी डाल लेते हैं। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे,
ग्लव्स पहन के काम होता नहीं है, स्पेशली आटा तो बिल्कुल नहीं गूंदा जाता। देखें हमारा सारा जो है इसको इस तरह गूंद के 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे हम, उसके बाद हम बनाएंगे। इसको ढक के रख देंगे। बड़ी सी रोटी इसकी कर लेंगे हम अच्छी तरह। इसकी बारीक से रोटी बेल के हम इसको फिर हम कट करते हैं। कितनी बड़ी हो गई है ये। आपके पास कटर और रोल ले लें, मैंने फिलहाल ही इसका बॉटल का ढक्कन ले लिया। इसको इस तरह से हम कट करते जाएंगे। ज़्यादा बड़े जो है ना मुंह में भी नहीं आते ना फिर, इसलिए बस इतना साइज सही है ये। तेल हमने गरम होने रख दिया। इसको फिर दोबारा बेल लेंगे हम रोटी, इसकी बना लेंगे। अभी हम इसको फ्राई करते हैं जरा।
जो नीचे वाली साइड है नमी वाली उसको नीचे रखेंगे, जो ऊपर वाली से इस तरह ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से कैसे फूल जाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी इस तरह से ऑयल डाल के ना ये देखो हम टाइम कर रही हूँ और साइड से हमारी सीख गई है। देखो कितनी जल्दी जल्दी देखो कितने आसानी से होगा। जो ज्यादा ना फूले आपको उसको आप एज अ पापड़ी के तौर पे यूज कर लें। सारे सारे हमारे जो नहीं फूले उसको आप पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म गर्म से ऑयल डालेंगे ना तो वो फूल जाते हैं। ये देखिए हमारा कलर भी कितना अच्छा आया। इस पे भी हो रहे हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अपने बने हुए सारे हम इसी तरह तल लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम डालेंगे थोड़े से छोले चने। ये हम डालेंगे खट्टी मीठी चटनी थोड़ी सी। ये डालेंगे ग्रीन चटनी और ये डालेंगे मीठी चटनी। ये हमारा प्लेटर तैयार है। ये
मैं आप लोग इसमें काला नमक डालना भूल गई थी बताना ही, इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून काला नमक भी इसमें जाएगा। ये देखिए हमारा पानी इतना बेहतरीन तैयार है, और ये हमारे गोलगप्पे में सारी हरी ग्रीन सारी चटनियाँ चनों के चाट सब रेडी है। ये बहुत मज़े के रमज़ान में ईद पे आप लोग बनाए ट्राई करें, बहुत गोलगप्पे तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं सबको, आप लोग ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह अच्छी अच्छी नेमतें और हमारे दशा हालों को बढ़ाता रहे ऐसी नेमतों से अल्लाह ताला, और आप सबके भी दशा हालों को भरा रखे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। फरजाना की दशा हाल से ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।